मुझे मोटिवेट किया कि पंच प्राण पे आप कुछ कहेंगे। आप सोचिए ज्योग्राफी या कहां पंच प्राण, यू कैन नॉट इक्वेट। और डेढ़ महीना मैंने केवल इस रिसर्च पेपर जो कि मेरा ओरिजिनल राइटिंग है उसमें मैंने काम किया, तो उसका निष्कर्ष मेरे को ये निकला। आप फर्स्ट पेज में ले आएंगे, फर्स्ट पेज ले आएंगे जो है एनालिटिकल स्टडी ऑफ वेलफेयरिज्म एंड पंच प्राण एम्पिरिकल जर्नी। आपको नहीं लगता हम लोग एक चमत्कार की ओर जा रहे हैं? ये तो लग ही रहा है कि हम लोग अभी तक कल्याण की बात करते थे कि इनको मिलना चाहिए, इनकी कमी है, और हमेशा हम संस्थाओं से अपेक्षाएं कर देते हैं, एक्सपेक्ट कर देते हैं। आज के दिन में वेन वी आर मैं चेंज करी नेक्स्ट जो है फिर चेंज करी फिर चेंज करी बस बस इस पे। तो आज के दिन में हमें क्या करना है, हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जगाया है, रिनाइंसा पीरियड है, ये डेवलपमेंट का रिनाइंसा पीरियड है। और एक तरीके से अगर आपने पैराडाइम शब्द सुना है, पैराडाइम शब्द मतलब जो है प्रतिफलन, समाज में नई सोच नई चिंता आती जाती है, कुछ लोग उसको एडॉप्ट करते हैं और वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन जाता है। हम इसको ग्रेट डिवाइड के तौर पर मान के चल रहे हैं कि आपका जो बेसिकली 20वीं सदी है वो वेलफेयरिज्म का युग था, और 21वीं सदी जिसमें हम हैं वो आपका पंच प्राण का युग है। नाउ वी हैव टू टेक वी हैव टू आवाज आ रही है यस सर मैं एनीवे तो हाँ ऐसे तो मैं जोर से बोल रहा हूँ आ रही है इसमें ओके। तो इसमें बेसिकली आप ये देखिए कि हमको जगाया जा रहा है, नाउ यू आर द हीरोज गेट अप एंड मूव अहेड टू मेक इंडिया अ विश्व गुरु। तो इसमें ये देखिए कुछ मैंने क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखा है, आर वी मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड, आर वी एबल टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ आवर सिटीजन, are we able to erase deprivation and sufferings, are we able to understand the dynamics of challenges chahe wo antarik ho ya bahar ka ho, next, are we able to check conspiracies, are we able to abandon jo bhi slavery ki baatein hoti hain usko hum samap kar paaye hain, are we able to make our country strong with strong foundation culturally as well as From constitution wise, answer क्या है? Yes, we have done it, पर हमें चेतना नहीं है। और चेतन हिसाब से हमारे सब चीजें हो रही हैं, पर we are not aware and we are not ready to appreciate ourselves. We are not ready to appreciate our country, our society. सब हम लोग कर रहे हैं, पर हम लोग एक pessimistic attitude लेके चलते हैं। Next. तो 21वीं सदी में जो विकास की बात है, विकास को मैंने खास तौर से वेलफेयर यानी कल्याण परक उपागम और पंच प्राण का इसको भी मैंने उपागम अप्रोच माना है और उसको मैंने जोड़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वेलफेयर में क्या था, वेलफेयर में इंस्टीट्यूशंस ये देखती है राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, सब हमारी राइट है, पर बाकी में हम लोग ऑन पेपर बोलते हैं मेरा हक है, और हक पाने के लिए हम आप कर क्या रहे हैं? हम लोग इतने इग्नोरेंट हैं कि हम कहां जाके हमें लड़ना है, कहां जाके हमें रिजल्ट पाना, वी डोंट नो। तो ऑल दीज राइट्स जो गारंटी सिटीजंस को देती है टू लिव विद डिग्निटी, यही हमारा वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था। वेलफेयर बेसिकली एम्फसाइज करती है वेलफेयर एंड इक्वालिटी। पर आज के युग में नेक्स्ट आज के युग में बेसिकली वेलफेयर का मतलब ये नहीं है कि जस्टिस वेलबींग एंड इक्वालिटी, वेलफेयर का ये मतलब नहीं है यूनिटी सॉलिडारिटी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म वैल्यूज, ये सारे जो नीचे वाले आप देख रहे हैं यूनिटी सॉलिडारिटी नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म हम लोग बोलते हैं, और पेट्रियोटिक फीलिंग भी क्षण भर के लिए आती है फिर पता नहीं इवेपोरेट होकर चली जाती है। तो ऐसे अगर हम रहेंगे अपने को सशक्त नहीं करेंगे तो 2047 जब हम लोग 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे तो हम विश्व गुरु जगत गुरु कैसे बनेंगे? नेक्स्ट,
वेलफेयर स्टेट में वेलबींग की बात आती है, वेलबींग में हम पॉवर्टी की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस यानी डिनायल ऑफ सोशल राइट्स, ग्रे जोन्स की बात करते हैं, पर कभी भी हम लोग ने ग्रे जोन्स को मिटाने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट टू, तो इसमें क्या है कि वेलफेयर वेलबींग में समाज को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है, फील गुड फैक्टर के बारे में बोला जाता है, जो हमारा सोशल एनवायरमेंट है वो हमारे फेवरेबल हो, ये वेलबींग की बात बोली जाती है। आपका एपेटाइट अगर पूरा हुआ आप खुश हो जाते हैं, अगर आपका एपेटाइट पूरा नहीं हुआ, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो बौद्धिक हो कुछ भी हो, तो वेलबींग का कॉन्सेप्ट को उन्होंने पार्टिसिपेट के साथ जोड़ा है। फील वैल्यू, आपको आपकी अहमियत दी जा रही है, फील गुड, आप जो है समाज के साथ जुड़े हुए हैं तो तभी आपको अच्छा लगता है। व्हाट इज वेलबींग, पर यहाँ पंच प्रण में क्या है कि हम और ग्रीड को नीड है, और ग्रीड क्या क्राइसिस के तौर पर देख रहे हैं, फूड क्राइसिस देख रहे हैं, बहुत सारे आप देखते हैं रेस्टलेस यूथ, रिसोर्स क्राइसिस, एसेट क्राइसिस, क्राइसिस पूरा सब आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है नीड वर्सेस ग्रीड जो है एक शिफ्ट भी सभी में हमको हमारे गवर्नमेंट ने प्रयास किया है, और हम सबको उनके साथ देना चाहिए कि हम लोग एक कमिट करें, कमिटेड मूव ले। नेक्स्ट 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 तो नीड वर्सेस ग्रीड को हमें चेक करना है। नेक्स्ट, तो इसमें जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं मिनिस्टर ने पांच प्रणों की बात बताई, आप सब सुने हैं। नेक्स्ट 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 अब इस पे आइए, जरा सा तुलनात्मक मैं बता दूं कि पंचपण और वेलफेयरिज्म में अंतर क्या है। अल्टीमेटली द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू पंचप्रण एम्फसाइजेस ऑन बैलेंस्ड एंड कंपैशनेट अप्रोच ऑफ प्रोग्रेस। शब्द पे जाइएगा, बैलेंस्ड एंड कंपैशनेट अप्रोच टू प्रोग्रेस। वो जो पांच मैंने आपको बताया, फिजिकली मेंटली स्पिरिचुअली, जो पांच, वो बैलेंस्ड वे में हमको यूज करना है अपने आप से, समाज को, रीजन को, टोटल कंट्री को। और वेलफेयर में क्या हो रहा था, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज मल्टीफेसेटेड अप्रोच, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इसको लेके हम कोशिश कर रहे थे कि भारत को हम एक पावरफुल कंट्री बनाए, जिसमें कहीं पे कामयाबी मिली कहीं पे नहीं मिली, पर कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी पीछे हैं, जिस वजह से एक पैराडाइम शिफ्ट की बात हम कर रहे हैं। पंच प्रण जो है फोकस ऑन फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, वेयर एज वेलफेयर सिस्टम फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, और आप अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट, माइक्रो लेवल एनालिसिस, माइक्रो लेवल स्क्रूटिनी आप करेंगे तो ज्यादा आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक ग्रुप टास्क दे देंगे, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, वो टीम के बदले आप भी एडवांटेज ले लेते हैं, वो चीजें नहीं चाहिए। एवरीबॉडी हैज टू स्टैंड अप एंड जॉइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट टू वर्क एंड टू मेक आवर कंट्री विश गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हमारा अखंड भारत में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, वन ड्रीम, हम सबकी जो ड्रीम है एक होनी चाहिए, हम में वननेस होनी चाहिए, वन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, और ग्रैंड कल्चर होना चाहिए, तभी हम घर के साथ जी सकते हैं और घर के साथ भारत को आगे ले सकते हैं। नेक्स्ट 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 लास्ट में हम ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से चलेंगे, वी विल एबल टू ब्रेक द मिथ दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट आवर वीकनेस। ध्यान दीजिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट आवर वीकनेस बट आवर स्ट्रेंथ, एंड वी कैन डू, वी विल डू, वी विल अचीव। विद दिस आई कंक्लूड विद द वर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी, पीपल आर द रूट्स एंड कंट्री इज द शूट, इफ द रूट्स आर स्वीट द फ्रूट्स आर बाउंड, पीपल
एंड आई एम थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल शी हैज रिकॉग्नाइज्ड मी एंड गिवन अ चांस टू स्पीक वंस अगेन थैंक यू